हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो बहुत जल्दी आ रहा है ना आपका रिजल्ट, जून 14 को रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा, टेंशन आपको लेने का। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपने क्या स्कोर किया है, स्कोर के अकॉर्डिंग आप लोग अपने सोच रहे होंगे कि मुझे स्टेट कोटा मिलेगा या फिर ऑल इंडिया कोटा मिलेगा। तो भैया बहुत सारे बच्चे लोगों को अभी ये पता नहीं होता है कि स्टेट कोटा का एडमिशन कैसे होता है, ऑल इंडिया कोटा का एडमिशन कैसे होता है, कौन से काउंसिल जो हैं वो कंडक्ट कराते हैं काउंसलिंग प्रोसेस को या फिर एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। आप इस वीडियो में जानेंगे कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में क्या अंतर है, स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा का क्या मार्क्स सेम रहने पे ही एडमिशन हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी आपके होंगे वो आप पूछ भी सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी होगी वो आपको जरूर मैं दूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले AIQ और SQ के बारे में। दोस्तों AIQ शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसको कंप्लीट तरीके से हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा, और SQ शॉर्ट फॉर्म हो गया स्टेट कोटा का। दोस्तों ये दोनों जो कोटा होता है ना वो कंप्लीट 100% एडमिशन को लेता है, जो इस पर नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिए होंगे स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं और अपने मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इट्स मीन मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्या बोले, तो मार्क्स का एलिजिबिलिटी हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो अपने स्कोरिंग नेचर, इट्स मीन अगर MBBS है तो शायद अगर 600 प्लस लेके आए हैं तो डेफिनेटली वो सोचेंगे ना कि मुझे डेफिनेटली MBBS मिलेगा। वो MBBS किस कॉलेजेस में मिल सकता है, वो स्टेट का हो सकता है या फिर सेंट्रल का हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो यही बात है कि कम्प्लीटली जो आपकी जानकारी अभी अधूरी है या अगर पूरे जानते हैं तो शायद आपको इस वीडियो में कुछ नई बातें ज़रूर पता चलेंगी। तो मैं बात कर रहा था ऑल इंडिया कोटा। दोस्तों ऑल इंडिया कोटा इट्स मीन पूरे देश भर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेजेस कंडक्ट होते हैं उन कॉलेजेस में जो बच्चे लोग का एडमिशन लिया जाता है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत लिया जाता है। और इसमें बच्चे लोगों को 15% यानी जो 100% में 15% बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जो डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। अब मार्क्स के बारे में कैसे पता करें, तो डेफिनेटली अगर जो ऑल इंडिया कोटा के तहत में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं अगर उनमें एडमिशन होता है, जैसे एम्स हो गया या फिर जो जिपमर हो जाता है, ये सब जो कॉलेजेस होते हैं उनमें जो एडमिशन होता है वो थोड़ा सा जो हायर मार्क्स लेके आते हैं, जैसे अगर हम बात करें स्टेट जो उठा रहा है वो 600 मार्क्स पे उठा रहा है बच्चे लोगों को, तो डेफिनेटली आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए 630 प्लस लेके आना होगा, 640 प्लस लेके आना होगा, तब आप सोच सकते हैं कि मुझे ऑल इंडिया कोटा के तहत में इन सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में एडमिशन होगा। फ़र्क क्या होता है इन कॉलेजेस के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोग बात करते हैं। दोस्तों स्टेट कोटा जो होता है ये स्टेट कोटा स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हमारे पूरे देश में 28 राज्य है, 28 स्टेट है और सभी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जैसे हर एक स्टेट्स में अभी बहुत सारे एम्स भी बने हैं, तो जो एम्स होगा वहाँ पे एडमिशन जो होगा वो ऑल इंडिया कोटा के तहत में होगा। और जो और भी जैसे स्टेट के बहुत सारे कॉलेज, जैसे हम अपने PMCs के बारे में बात कर लेते हैं, तो हमारा PMCS जो हो गया वो स्टेट कोटा के तहत में आता है, ऑल इंडिया कोटा के तहत में नहीं आता है। फिर उसके बाद GMC बेतिया हो गया, कटिहार मेडिकल कॉलेज हो गया, फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो गया या फिर गया मेडिकल कॉलेज हो गया, बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिले वाइज या फिर जो एक सिटी वाइज जो होते हैं उन सब कॉलेजेस में आपका जो एडमिशन होगा वो स्टेट के तहत होगा। स्टेट और ऑल इंडिया कोटा का जो कंडक्ट करने वाली होती है स्टूडेंट काउंसलिंग या फिर जो आपको वहाँ पे सीट प्रोवाइडेशन करेगी, तो मैं बात करूँ कि ऑल इंडिया कोटा के तहत में जो आपको कमेटी, जो काउंसलिंग कमेटी आपको कंडक्ट करेगी या जो भी एडमिशन के लिए बताएगी वो होता है MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, ये आपको ऑल इंडिया कोटा के तहत में जितने भी सीटें होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। जबकि जो स्टेट कोटा होता है वो डिफरेंट एरियाज़ के अलग अलग जो डायरेक्टोरेट होते हैं वो उस तरीके से अपने बच्चे लोगों को, मतलब एक जो काउंसलिंग प्रोसेस जो प्रक्रियाएँ होती हैं या जो मार्क्स होता है उसके अकॉर्डिंग स्कोर निकालते हैं, और उसी के स्कोर के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट में कॉलेजेस हैं वहाँ पे बच्चे लोग एडमिशन ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बात डिटेल बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि स्टेट का जो 85% जो सीट है उस पर जो कंडक्ट की जाती है अलग अलग स्टेट के द्वारा, जैसे मैं बात करता हूँ कर्नाटका के लिए, तो ये कंडक्टेड बाय स्टेट काउंसलिंग कमेटी सच एस कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी, जिसको हम लोग KEA बोलते हैं, वो करती है। जबकि बात करें उत्तर प्रदेश के लिए,
तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन जिसको हम लोग DGME बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में ये बॉडी आपको कंडक्ट करेगी। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जिसको DHS बोलते हैं, ये मणिपुर में होता है, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में, एंड अदर स्टेट काउंसलिंग कमिटीज जो होती है अदर तरीके से वो वहाँ पर जो होती है अपने काउंसलिंग को कंडक्ट करवाती है, और बच्चे लोग को स्कोरिंग के जितना स्कोर किए उसके नेचर से अपने कॉलेज में एक लिस्ट निकालती हैं कि इतने स्कोर वाले बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और जबकि ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करें तो एक ही है भैया, कंडक्टेड बाय द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जिसको हम लोग MCC बोलते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट MCC.NIC.IN है, इस पर जाकर पूरे डिटेल को आप पता कर सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के तहत में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उस पर कितना कट ऑफ निकाला गया है और किस तरीके से एडमिशन लिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो से ये बातें कंप्लीटली क्लियर हो चुकी होंगी कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में क्या डिफरेंसेस है, स्टेट कोटा में कितने स्टूडेंट का, इट्स मीन मैं बात करता हूँ कि 100 स्टूडेंट है कम्प्लीटली, तो स्टेट कोटा 85% स्टूडेंट लेगा, तो डेफिनेटली 85 स्टूडेंट का एडमिशन स्टेट कोटा के तहत में होगा और 15 स्टूडेंट का एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के तहत में होगा। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट और कैंडिडेट तो आपको पता ही है कि इस साल कितना भरे थे, इस साल का कट ऑफ क्या जाएगा, इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस में जाके आप देख सकते हैं। बाकी रहेगा इस बार रैंकिंग नेचर के अनुसार, तो मैं बहुत जल्द बात करूंगा कि रैंकिंग कितना इस बार आएगा, तो आपको कौन कौन से ऑल इंडिया कोटा के तहत में कितने रैंकिंग पे एडमिशन हो सकता है, स्टेट कोटा में कितने रैंकिंग पे एडमिशन हो सकता है, इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा अगले वीडियोस में। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, अगर ऐसा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, भाई भी इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट अबाउट द स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा प्लीज मैसेज मी ऑन द कॉमेंट बॉक्स। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर न्यू अपडेट्स। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।